हरदोई के कटरी क्षेत्र में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की आशंका प्रबल होने लगी है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच रहा है। बिलग्राम के कटरी बिछुइया में 16 घर गंगा के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गए। तहसीलदार नितिन सिंह राजपूत टीम के साथ गांव पहुंचे और घरों को हुई क्षति का आकलन किया। एडीएम ने बताया कि पीड़ित परिवारों को मदद दिलाई गई है। बता दें कि यहां गंगा का जलस्तर 136.50 मीटर गेज पर प्रवाहित हो रहा है, जो चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि रामगंगा और गर्रा चेतावनी बिंदु से काफी नीचे प्रवाहित हो रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के रिकॉर्ड के अनुसार अभी किसी भी नदी में डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। गंगा किनारे के कटरी बिछुइया में जलस्तर एवं बहाव का वेग बढ़ने से महासिंह, रामसागर, प्रेमशंकर, अनंतराम, राजकुमार, द्वारिका, पिंटू, रामशंकर, रामसागर, बलराम, शंभू, दुर्गा, लोंगशी, लक्ष्मी, रामश्री के घर चपेट में आने से कट गए हैं, जबकि चिरंजू पूर्वा में मनशाराम एवं पिटू आदि ने घरों की ईंटों को उखाड़ना शुरू किया। फसलें भी जलमग्न हो रही हैं। घर कटान से प्रभावित परिवारों ने निकट के गांवों में रिश्तेदारों के यहां गृहस्थी को सुरक्षित पहुंचाना शुरू कर दिया है। एडीएम संजय सिंह ने बताया कि मकान कटान से प्रभावित 16 परिवारों के क्षतिग्रस्त मकान का टीम के साथ आकलन कर करीब 9,20,000 रुपए की मदद की रिपोर्ट तैयार कराई गई है। वहीं तहसील में बाढ़ सहायता केंद्र की स्थापना कराई गई है, जो 24 घंटे संचालित रहेगा। बाढ़ प्रभावित चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। साहब जी, कोई मदद नहीं की गई यहाँ पे, ना तो कोई चौकी है बाढ़ राहत की तरफ से और ना कटाव की तरफ से। यहाँ पे पेशी रहती है, वो भी अपने हिसाब से लगी, वो सावन में आई थी मेला के लिए, लेकिन थोड़ी जो है यहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है कि यहाँ पे कटाव हो रहा है, आप लोग महीने दे महीने जब तक यहाँ पे कटाव हो तब तक रुके रहना। वो इस समय खुद गाड़ी लेके अपनी जा रहे हैं, उनको छिपरा मोह में जो है, अब भूख के चक्कर में हम लोग क्या करें, बताओ क्या खाएं, क्या करना है। कहीं रहने के लिए तो जगह नहीं है, न ठहरने के लिए जगह, धूप में कहाँ लेके जाए लड़के बच्चे, इतना सारी सामग्री, कोई ऊपर से जो है कोई मदद नहीं अभी तक हम लोगों को मुहैया कराई गई है। कान सब कट गया है, सब गंगे में आवास में मिले कुछ नहीं रहा है, सब यहाँ सब धरा है सामान, और रात रात बच्चे रोते हैं, लड़के बहू सब बिल्ला रहे हैं, खाना भी नहीं बना है मेरा, और बुढ़ी आते तीर बैठी है, रो रही है, मार कसके मेरी सास भी है, कोई इधर साधन भी नहीं है, ना तिरपाल मिला है, ना कोई चीज है, ना कोई हथकारी आ रहा, देख के बढ़ जाता, अपनों अपनों सब बना रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। आपके लिए कोई मदद नहीं की गई? नहीं, कुछ नहीं की गई है। आप लोग लेटती कहाँ है? लेटती बाहर लेटती हैं, धरती में लेटती हैं, बच्चों को चींटा काट खाते हैं। एक दिन सांप बड़ा भारी निखर पड़ा, फिर सांप जने बिल्ला पे सांप निखर पड़ा, कहिए भी फना यो भारी निखर दिया, मैं चिल्ला के भाग गए, मैं बच्चों को कौरिया लिया, ऐसो नहीं है, अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। बिलग्राम तहसील में ग्राम कटरी बिछुइया में गंगा जी का पानी बढ़ गया है और कटान हो रहा है। हम लोगों ने पूरे गांव में सभी लोगों को बता दिया है और कि सुरक्षित स्थान पर चलें। हमारी बाढ़ चौकी तैयार है, बाढ़ सड़ालय तैयार है, हमारी टीमें तैयार हैं, हमारी हर प्रकार की टीम, चिकित्सा की टीम, पशु चिकित्सा की टीम, हमारी हर राजस्व की टीम, पूरा एकदम चाक चौबंद है, पूरा हम लोग नज़र रखे हुए। SDM साहब ने भी वहाँ का दौरा किया, हम लोग भी करेंगे। और कटान से जो घर गंगा जी में समाहित हो गए थे, उन परिवारों को शासन द्वारा अनुमन्य मुआवजा दे दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की ये मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जाए, उस दिशा में हम लोग चाक चौबंद हैं और पूरा काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या पशुहानि नहीं होने पाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग किए हुए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।